मार्मोरियन हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? आपके हाथ में पहने बेड़िए की दांत से। ओह, अच्छा आओ बैठो। तुम पानी पियोगे? हाँ, अगर थोड़ा मिल जाए तो अच्छा होगा। वैसे तुम कौन हो? मैं एक शिकारी हूँ दस्त कबीले का। अक्सर यहाँ आता हूँ इस इलाके में शिकार करने। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस इलाके में। हम दो दिन पहले आए हैं यहाँ। आपका इलाका काफी दरखेज है। हाँ, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। वैसे आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? वो बोंडे को चरने ले गए हैं। मैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, इसलिए मैं खेमे में रुका हूँ। अच्छा दोस्त, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? आप खेमे में रुको, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। सच में तुम आर्मोरियन बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हो। आज नहीं, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये कुल्हाड़ी किस लिए? ये जंगली जानवरों से बचने के लिए। क्या सोच रहे हो सरदार? यही कि हमने जाने में देर कर दी, सुबह सवेरे निकलना चाहिए था। और कितना वक्त लगेगा सिकंदर? बस ये मुकम्मल हो चुका है, चलें। पहाड़ों पे काले गिद्ध, लगता है कुछ होने वाला है।
आज धूप बहुत तेज है उम्र। कौन है वो? कौन कौन है? मुझसे क्या छुपाना कारवान, मैंने देखा है तुम कई दिनों से इस रुमाल को देख रहे हो। तो आज सच सच बताना, कौन है वो? वो जो हमारे कबीले में एक महीने पहले मेहमान आए थे। वो कजार कबीले से आए हुए मेहमान? हाँ, ये रुमाल उसने मुझे दिया था, कहा जब मेरी याद आए तो इसे देखना। कारवान, तुम तो मेरे सोच से भी आगे थी। देख, मैंने तुझे बता दिया, अगर किसी को इसके बारे में मालूम हुआ तो सरदार मुझे जिंदा लटका देंगे। अरे पागल, इसमें डरने की क्या बात? देख, मैं वादा करता हूँ, यहाँ से लौटते ही मैं सरदार से बात करूँगा। वो बाबा से कहेगा, आपके बाबा सरदार की बात कभी नहीं टालते। बाबा और अम्मी आपके लिए उनका हाथ मांगने जाएंगे, ये तो सादा सी बात है। वो देखो, अरसलान भी आ रहा। क्या ये सच है कि हमारे इलाके में कुछ चरवाहे आए हैं? जी जनाब, मैं अभी उनसे मिलकर आया। कितने लोग हैं वो? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सिर्फ 3 आदमी हैं। तो तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो कि काले परबा जैसे दूर इलाके से इतने बड़े बोंडे के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी आए हैं? मुझे भी हैरत हुई, लेकिन ये सच है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बोंडे के साथ सिर्फ 3 आदमी? ये तो हमारे लिए और भी फायदेमंद है, जितने कम आदमी होंगे खत्म करने में आसानी होगी। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि काले परबा जैसे दूर इलाकों से सिर्फ 3 आदमी आए हों। हो सकता है कोई और भी इनके पास आने वाला हो। कारा, मेरी मानो तो अब भी हमला करते और लूटते उन्हें। माथुर, बताए लोग रात को सफर करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनका माना है कि रात को भूत घूमते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भूत को देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग डरते हैं। इस डर की वजह खौफ है कि इनके दिल में बस चुका है हमारी दहशत ही हमारी ताकत। जिस दिन लोगों के दिलों में हमारा खौफ खत्म, तो समझो हम खत्म। ये तो सबको मालूम है कि लोगों को लूटा जाता है, लेकिन कौन लूटता है, कहाँ लूटता है, ये किसी को मालूम नहीं। मैं लोगों की नजरों में सिर्फ एक अफवाह बनकर रहना चाहता हूँ, इसलिए हम रात को हमला करेंगे बिल्कुल एक भूत की तरह। अभी तुम जाओ दस्त कभी नहीं, और हमारे लोगों से कहो कि काम करने का वक्त आ चुका है, और कल तक ये भी मालूम हो जाएगा कि वो वाकई 3 है या 13। अभी जाओ और मुझे काम करने।